हेलो स्टूडेंट्स अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ स्फेयर विच विल फिट इन साइड द क्यूब इज सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वन क्यूब एंड वन स्फेयर इज

फील होगा सो लेट्स डॉ डायग्राम सो दिस इज अ रिक्वायर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन देखिए ये जो क्यूब है और उसके इन हमने क्या बना रखा है स्पीयर बना रखा है तो हमने मान लिया कि जो एज ऑफ द क्यूब है वो कितनी है टू आर है है ना तो ऑब्वियस है कि इसका जो डायमीटर होगा किसका क्यूब का वो किसके इक्वल होगा एज ऑफ दी सॉरी स्पीयर का जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा एज ऑफ द क्यूब के इक्वल होगा तो यहां पर हमने पहले इस बात को लिख लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना टू आर यूनिट ये सब हमने अज्यूम कर लिया ओके okay. देन हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ क्यूब स्फेयर इज इक्वल टू यहां पे डायमीटर कितना हो जाएगा यस लेंथ ऑफ द क्यूब जो कि कितनी है लेंथ ऑफ द क्यूब मीन्स कितना है टू आर है ओके okay? तो अब हमने क्या कम करना है यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ इक्वल टू टू आर डिवाइड बाय आर दैट मीन्स आर हो जाएगी तो जो रेशियो uh, हमें क्या करना है रिक्वायर्ड क्या है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ओके तो देखिए ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा एज क्यूब हो जाएगा ना वो तो एज हमने टू आर मान रखा है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा टू आर क्यूब तो इज इक्वल टू देखिए इसे लिख सकते हैं टू आर क्यूब और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब क्योंकि इसके जो रेडियस है वो स्मॉल आर है तो इज इक्वल टू देखिए यह कितना हो जाएगा एट इन टू आर क्यूब डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय थ्री इंटू पाई इंटू आर क्यूब तो आर क्यूब से आरक्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ देख पा रहे हैं फोर से ये जो एट है वो टू टाइम्स कैंसिल हो गया टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ होगा तो सिक्स अपॉन पाई कैसा हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना या यदि पाई की वैल्यू रख ली गई तो ये जगह सिक्स अपॉन ट्वेंटी टू बाई सेवन तो देखिए ये टू से थ्री टाइम्स कैंसिल होगा और टू से कितने टाइम्स कैंसिल होगा इलेवन टाइम्स तो इट बिकम्स सेवन का मल्टीप्लाई थ्री से होगा ट्वेंटी वन अपॉन 11. तो ये तो पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो 6 upon 5. सॉरी 6 upon पाई आंसर होगा और पाई की वैल्यू रख दी तो 21 divide by 11. 11 आंसर होगा तो यहाँ पे फाइनली आंसर हम लिख देंगे. सो so, रिक्वायर्ड ratio uh, is 6 is to 11. सॉरी 6 is to पाई और 21 is to 11. So this is final answer. I hope you understood by the solution. Thank you.